हेलो दोस्तों, लास्ट संडे हम घूमने निकल पड़े थे शिमला की तरफ और हमने एक दो लोकेशंस कवर की, तो अभी चलिए चलते हैं। हाँ है, तो हम पहुंचने वाले हैं सोलन। अभी हम ढूंढ रहे हैं खाने के लिए ढाबा, बट जो मिल अभी पहुंच गए हैं हम सोलन। बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पे, विश्वास नहीं होता कि हम हिमाचल के हैं, बट पंजाब में रहते रहते ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आना होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहाँ आ गए हैं। बहुत ठंडा मौसम है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम है। ये है टॉय ट्रेन का ट्रैक जो किसी टाइम पे अंग्रेज़ों ने बिछाया था। अभी थोड़ी देर में यहाँ से टॉय ट्रेन गुजरेगी। ये है छोटी रेल कार, इसको बोलते हैं, 15 से 20 सीटर होती है ये। इसका किराया ऑर्डिनरी से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसकी बुकिंग आप वहाँ से करवा सकते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से हॉलिडे एक्सप्रेस गुजरेगी जो कि लंबी ट्रेन है, अभी थोड़ी देर में वो आने वाली है। अभी आप मैं भी आपको दिखाता हूँ कि थोड़ी देर में आ जाएगी। इसकी असली ब्यूटी तब निखर के आती है जब सर्दियों के दिनों में शिमला में बर्फ गिरी होती है, चारों तरफ सफ़ेद माहौल और ग्रीन देवदार के पेड़ दिख रहे होते हैं, और उनके बीच से ये लाल रंग की ट्रेन जब गुजरती है तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। शिमला से 12 किलोमीटर पीछे या 15 किलोमीटर पीछे एक स्टेशन आता है शोकी, जहाँ से हम मुड़ते हैं तारा देवी के लिए। बहुत ही स्टीप है ये रास्ता ना, काफी ज्यादा, तो इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक योर ओन साइड एंड मूव अहेड स्लोली। अब जा रहे हैं हम ऊंचाई की तरफ। ये है तारा देवी मंदिर का रास्ता जो कि बहुत ही स्टीप है, ये रोड इजी नहीं है चलाना, तो जब भी आपको यहाँ पे आएँ तो काफ़ी सेफ्टी रखें, अच्छे से चलाएं, हैंड ब्रेक पे हाथ हमेशा रखें। वो है मंदिर ऊपर, हम पहुंच गए हैं तारा देवी। मेरे पीछे तारा देवी का मंदिर, हमने शिमला रोड पे शोगी से टर्न लिया, तो वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है और ऊपर बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, अभी ऊपर आपको दिखाएंगे, पीछे का व्यू देखिए, आसपास की सारी हिल से टॉप, बहुत ही सुंदर नजारे। वो आप देख पा रहे होंगे वो है शिमला जो कि इस हिल से भी डाउन में दिख रहा है। ये मेरे पीछे मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। पहले ये किसी, जब मैं पहले आया था तो ये किसी और स्टाइल में होता था, लेकिन अब इसका पूरा लुक्स चेंज कर दिया गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अब इसका लुक चेंज कर दिया गया है पूरा, जैसे कि अपर शिमला, कुल्लू या किन्नौर के मंदिर होते थे जैसे लकड़ी से बने हुए, तो उस तरह से इसका लुक्स चेंज कर दिया गया है। अभी इन बिल्डिंगों के पीछे वो मंदिर है, अभी हम चल के देखते हैं ऊपर।
तारा देवी के मंदिर के बैक साइड में ये एक छोटी सी हिल है जो कि 100-200 कदम की दूरी पे है, तो वहां पर भी दो मंदिर हैं, तो जब आप यहां पे आएं तो इनको मिस ना करें। चलिए अब चलते हैं वापस, हमने लंगर भी खा लिया यहाँ पे, तो अब हम चल दिए वापस तारा देवी मंदिर से। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है परमहंस जी महाराज का मंदिर, जो कि सोलन से राजगढ़ रोड पे है, कम से कम 6-7 किलोमीटर आगे, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, इस मंदिर की सुंदरता भी बहुत ही अच्छी है। ये है परमहंस जी महाराज की गुफा, तो अंदर एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है वो जो यहाँ पे परमहंस जी महाराज थे वो शायद बैठ के अपना ध्यान किया करते होंगे। अच्छा, और ऊपर तो नहीं अभी।
अभी हम जा रहे हैं वापस और रात के बज गए हैं 9। आज हमने कवर किए दो प्लेसेस, एक हम गए थे तारा देवी जो कि पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा हम गए थे स्वामी श्री कृष्णानंद जी परमहंस महाराज, कृष्णानंद परमहंस जी महाराज के मंदिर में जो कि जटोली में है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है दोनों प्लेसेस की। तो एक तो है तारा देवी का मंदिर जो कि आप है शिमला से काफ़ी नज़दीक। तो चंडीगढ़ से जब आप शुरू करोगे चलना शिमला की तरफ तो शोगी स्टेशन आएगा शिमला से 10-15 किलोमीटर पीछे। तो शोगी स्टेशन के राइट हैंड साइड को एक रोड कटता है ऊपर को तारा देवी के लिए, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये ब्यूटीफुल मंदिर जो आपने वीडियो में देखा ये वहीं पर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है और काफ़ी अच्छा आप वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। और दूसरा जो था हम वापसी के दौरान जब गए, जब सोलन पहुंचे हम वापस आते वक्त, तो वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे एक जटोली जगह आती है, तो वहाँ पे श्री कृष्णानंद जी महाराज का, परमहंस महाराज का मंदिर है। तो वो दूसरा मंदिर है वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे। तो वो एक एशिया का सबसे हाईएस्ट टेंपल माना जाता है, सबसे ऊंचा। तो ये दो जगहें हम आज गए, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है जो कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान है। तो आप अगर जाएँ तो दिल्ली से आपका एस्टिमेट लगा लीजिए 4-5 घंटे का चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ से 2 घंटे का आगे। तो दिल्ली से अगर आप चलते हो तो 5-7 घंटों में आप वहाँ पे इस लोकेशन पे पहुँच सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप यहाँ पे आते हो। तो अभी आज के लिए इतना ही, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी नेक्स्ट लोकेशन पे हम आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस टाइम।